ओके तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने जीएन बर्मन सॉल्व किया है ना, जीएन बर्मन सॉल्व किया आपने, और जीएन बर्मन अगर आपने सॉल्व किया है तो आप बोर्ड्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, सही। तो एक काम करो हिमांशु, आप मुझे टाइप करके बताइए कि आपने क्वेश्चन नंबर 267 कैसे सॉल्व किया है, क्वेश्चन 267 आपने कैसे सॉल्व किया है टाइप करके बताइए। और निमिश आप बताइए आपने 263 कैसे सॉल्व किया है ना, बस मेरे को लिख के बताइए कि सर इसमें ये ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, ठीक है। तो आप बताइए निमिश एंड आप हिमांशु, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ जब तक है ना। तो लेट अस डायरेक्टली डू दिस क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, मुझे कमेंट आना चाहिए, और अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप लिख दो कि सर नहीं हुआ मुझसे सॉल्व, है ना, डायरेक्टली लिख दो कि सर सॉल्व नहीं हुआ, डिफिकल्ट क्वेश्चन था या जो भी था। टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स प्लस टू। सबसे पहला रूल है कि क्वेश्चन को देख के डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को देख के हल्का सा डर लगना चाहिए आपको, क्यों लगना चाहिए क्योंकि अभी डर लगेगा तो एग्जाम में भी लगेगा, और एग्जाम में तो लगना ही लगना है डर, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पाई बाई टू रखो, टेन पाई बाई टू पे क्या हो जाता है इन्फिनिटी। अरे यार पाई बाई टू नॉट डिफाइंड होता है टेन, लेकिन समझो इस बात को, जब अपन लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू रख रहे हैं इसका मतलब एक्स पाई बाई टू की तरफ टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं है, एक्स एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं है, एक्स पाई बाई टू की तरफ टेंड कर रहा है। तो जब आप अप्रोक्सीमेट पाई बाई टू रखोगे और उसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा इन्फिनिटी। और यहाँ पे पाई बाई टू रखो, साइन पाई बाई टू कितना होता है वन, तो टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन का रूट थ्री माइनस, यहाँ पे रखिए वन प्लस सिक्स सेवन प्लस टू नाइन, नाइन का अंडर रूट थ्री, थ्री माइनस थ्री कितना हो गया जीरो। तो ये कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ, जीरो इंटू इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी इंटू जीरो या जीरो इंटू इन्फिनिटी कुछ भी लिख दे, ठीक है। मुझे ये कमेंट अभी तक मिला नहीं है ना, चलिए हो सकता है मैंने आप लोगों से गलत सवाल पूछ लिया है ना, मेरी ही गलती है, मैं ही थोड़ा गिर जाता हूँ। आपसे सवाल इजी पूछता हूँ मैं ना, सबसे इजी सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। हिमांशु बताइए आपकी, आपने क्वेश्चन नंबर 246 कैसे किया। एंड निमिश आपसे भी मैंने हो सकता है कि गलत सवाल पूछ लिए, तो मेरी गलती है ना, मैं अपनी गलती को सुधार देता हूँ और आपसे थोड़ा आसान सवाल पूछ लेता हूँ। आप बताइए मुझे कि क्वेश्चन नंबर 248 कैसे किया, जीएन बर्मन का है ना। चलिए बाकी लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, एक जादू बताता हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए सबको, लिमिट इस क्लास में अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये एकदम फाउंडेशन होता है कैलकुलस का, कैलकुलस का फाउंडेशन वैसे तो फंक्शन होता है, जीरोथ चैप्टर ऑफ फंक्शंस कहते हैं जिसको, ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ फंक्शन है। 267 हार्ड लगा आपको, अच्छा ठीक है, 267 भाई हार्ड लगा आपको ना, तो मैं 267 क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। वैसे आपने सॉल्व किया है 267 क्वेश्चन, ठीक है, आपकी नोटबुक मैंने चेक करी है, आपने उसमें ये सॉल्व किया है। ये है 267 क्वेश्चन, कोई भी कर लेगा ये क्वेश्चन, इतना आसान है। ध्यान से देखिए, आप इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे, वन बाई इन्फिनिटी आएगा, और सारी दुनिया जानती है वन बाई इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, तो टू की पावर में क्या गया जीरो, टू की पावर में जीरो माइनस वन अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा है टू की पावर में जीरो माइनस प्लस वन, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया वन माइनस वन मतलब जीरो, नीचे आ गया वन प्लस वन मतलब टू, जीरो बाई टू कितना होता है, अभी तक तो जीरो हुआ करता था, ओके तो ये हो जाएगा आपका आंसर जीरो अपॉन टू मतलब जीरो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मैंने आपसे दोबारा आपको सेकेंड चांस दिया,
मैंने आपसे पूछा 246th क्वेश्चन, ठीक है? आपको क्यों लग रहा है मैंने आपसे क्यों क्वेश्चन पूछा है? क्योंकि आप स्क्रीन को मिनिमाइज कर रहे हो। आप ही दोनों का नाम क्यों लिखा मैंने? सानिका आपका होमवर्क मुझे मिल गया है, आप ही का नाम क्यों लिखा मैंने? हाँ, क्योंकि आप दोनों ने स्क्रीन मिनिमाइज करी, नॉट टूडे बट मल्टीपल टाइम्स बिफोर दैट, आज भी करा है वैसे। 246 क्वेश्चन क्या है? 246 है n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर, ये लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लॉ ऑफ लव लगाएंगे अगर अपन, तो ऊपर हाईएस्ट क्या आएगा पावर? n स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? ऊपर नीचे भी n स्क्वायर आएगा, ऊपर 1n स्क्वायर, नीचे 2n स्क्वायर, तो सेम होता है। तो अपन क्या करते हैं, कोफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं। पूरा आप इन्फिनिटी से डिवाइड करके नहीं देखोगे, टाइम वेस्ट होगा ना। वो एक दो क्वेश्चन में कर लो, लेकिन फिर उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर निकालिए, ठीक है? चलिए भाई, नहीं कोई बात नहीं, लेक्चर में प्रेजेंट रहिए ना। लेक्चर में आप बीच में लेक्चर छोड़ के जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो गए हो? ऐसा ना करें आप, कोई भी ना करें। अभी तो मैंने बस दो लोगों का नाम लिया है, और भी लोग हैं। देखिए, जीरो इंटू इन्फिनिटी, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा था। इन्फिनिटी इंटू जीरो इज एज गुड एज, इट इज एज गुड एज, इसमें थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू आएगा ना, क्योंकि वाइट में इतना कंफर्टेबल नहीं हूं मैं। दिस इज एज गुड एज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और जीरो अपॉन जीरो। समझो एक बात है ना, ये जो इन्फिनिटी है, क्या इस इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये जीरो जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट जीरो थोड़ी ना, अप्रॉक्सीमेट जीरो। इसमें जितने भी जीरो होते सब अप्रॉक्सीमेट होते, तो इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0 होता है, इंटू जीरो। तो ये क्या है बेसिकली? 0/0। तो ये वाला फॉर्मेट जो होता है ना, ये इसको अपन 0/0 पे कन्वर्ट कर सकते। कैसे? आपको ये इन्फिनिटी, जो भी पार्ट इन्फिनिटी बन रहा है, जैसे ये टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी बन रहा है, तो उसको आप कन्वर्ट करके 1/0 में सेंड कर दो, चेंज कर दो, ठीक है? सेकेंडली, आपको कर्सर नहीं दिख रहा होगा ना, वो पुराने जैसा हो गया होगा सब कुछ। सेकेंडली, 0/0 कैसे बनेगा? ये इन्फिनिटी इंटू जीरो लिखा है, तो आप ये जीरो को क्या लिख सकते हो? अच्छा, 0/0 तो मैंने बता दिया, इस जीरो को आप क्या लिख सकते हो? जीरो कैन बी रिटन एज 1/∞, है ना? तो ये क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना, 0/0 इंटू इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वो या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होगा, या तो वो 0/0 होगा, ठीक है? दोनों जैसा ही, मतलब वो 0/0 जैसा ही होता है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जैसा ही होता है। दे आर सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर, इनफैक्ट एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है? चलिए, तो क्या करें आप बताइए, अब इसमें क्या करूं मैं? क्या आप लोगों के मन में कुछ ख्याल आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमको? कोई ख्याल आ रहा तो मुझे बताइए। देखिएगा ध्यान से ना, क्या लिखा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू। मैंने आपको एक टिप दी थी, वो टिप क्या कहती है, है ना? वो टिप कहती है, कि जब भी आपको अंडर रूट दिखे, फर्स्ट थॉट किसका होना चाहिए? रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन का पहला थॉट होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल रैशनलाइज दिस थिंग, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। चलिए मैं रैशनलाइज करता हूँ इसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, इधर क्या लिखा है? टेन स्क्वायर एक्स, इसको अपन एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? अंडर रूट ऑफ मसाला 1 माइनस अंडर रूट ऑफ मसाला 2। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यही अंडर रूट को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यही दोनों अंडर रूट को प्लस के साथ डिवाइड भी करते हैं, है ना? तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास? ऊपर बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4,
टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस सॉरी थ्री साइन एक्स प्लस फोर है ना, ए प्लस बी इंटू ए, मैंने ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, ये माइनस चेंज हो जाएगा ना यहाँ पर प्लस है तो माइनस सिक्स एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स एक्स सिक्स साइन एक्स माइनस टू। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दैट थिंग प्लस अंडर रूट ऑफ अदर थिंग जो भी था। एल हॉस्पिटल रूल मत लगा देना इस क्वेश्चन में ना, डिफ्रेंसिएशन अभी अपने को आता नहीं है इतना और आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे तो फंस जाओगे ना। अरे यार देखो मेरी बात सुन लो, ये अंडर रूट वाली चीज़ जो है उसका उनका डिफ्रेंसिएशन अपने को अभी आता नहीं अच्छे से, और आ भी जाएगा तो भी इतना कोई बहुत आसान नहीं है, एल हॉस्पिटल लाइक क्वेश्चन नहीं है। जो भी लोग होमवर्क कॉपी करके कर रहे हैं सॉल्व, मैं सच बता रहा हूँ आपको मैं छोड़ूंगा नहीं है ना, कुछ दिन और ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, मेरे को सबके नाम पता है, अभी दो तीन और नाम मैं बोलूंगा आज। ये नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आप यार बोर्ड्स के लेवल के क्वेश्चन तो करना ही है ना अपने को सॉल्व। साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स प्लस टू। देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है, अब पाई बाय टू डालो, पाई बाय टू डालोगे तो ये इन्फिनिटी होता है और एक्चुअल में ये जीरो हो रहा था, ये चीज जो है ये चीज पूरी जीरो हो जा रही थी है ना, अपन ने देखा था वो चीज करके, तो एक्चुअल में वो कह रहा था जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है वो रैशनलाइजेशन से खत्म हो जाता है। अब आप पाई बाय टू अगर डालोगे ना तो ये जो डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी मैंने ये इस पूरी चीज को मैं प्यार से मसाला कह देता हूँ। क्यों मसाला कह रहा हूँ मैं ना, ध्यान से देखिएगा क्यों मसाला कह रहा हूँ, क्योंकि आप पाई बाय टू यहाँ पे डाल के देखो, पार्शियल लिमिट नहीं कर रहे अपन, मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब आपका आंसर आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लोगे है ना, तब यहाँ पे क्या आएगा रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ये चीज आ जाएगी रूट थ्री प्लस ये रूट थ्री। अब पाई बाय टू डालोगे ना देखो, टू इंटू साइन पाई बाय टू प्लस थ्री इंटू साइन पाई बाय टू प्लस फोर, कितना आ गया नाइन, नाइन का रूट थ्री है ना, सॉरी रूट नाइन आएगा, तो ये थ्री प्लस थ्री कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। मसाले का वैल्यू वैसे भी लास्ट में अपन सिक्स डालने वाले, तो क्यों ना हम अभी से इसका वैल्यू सिक्स पुट कर दे और इसको लिमिट के बाहर निकाल दे। कॉन्स्टेंट को आप लिमिट के बाहर निकाल सकते हो है ना, लिमिट के बाहर निकाल सकते हो। ये स्टेप जो है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगा हुआ कि मैंने किया क्या है, एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लिमिट अपन जब डालेंगे ना तो ये वाली चीज जो है ये सिक्स बनने वाली है ना, दिस इज द फ्यूचर कि ये सिक्स बनेगा ही बनेगा, तो मैं इसको अभी से सिक्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है थोड़ी देर बाद डाल देंगे। टैन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्यों करा ऐसा देखते हैं पता चलेगा। टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस थ्री साइन एक्स माइनस सिक्स साइन एक्स कितना आ जाएगा माइनस थ्री साइन एक्स, प्लस फोर माइनस टू कितना आ जाएगा प्लस टू डिवाइडेड बाय एम। एम समझ रहे हो क्या है, ये पूरी चीज जो है वो एम है, एम का वैल्यू छह ही आएगा जब आप अभी डालो, आप एक काम करो पाई बाय टू डालो तो कितना आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय टू वन, ये तो वन हो गया, ये कितना रहा जीरो, ओहो और यहाँ पे वन डालो साइन स्क्वायर पाई बाय टू मतलब साइन पाई बाय टू कितना लो वन, तो वन माइनस थ्री प्लस टू जीरो। तो एक्चुअल में अभी जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, चोर पकड़ना है आपको हर बार लिमिट में, ये चोर है क्योंकि ये जीरो हो जा रहा है और ये भी चोर है क्योंकि ये भी जीरो हो जा रहा है, तो इनकी वजह से जीरो बाय जीरो का इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। बाकी ये दोनों निर्दोष है क्योंकि ये बेचारा पाई बाय टू डालने पे वन हो रहा है और ये बेचारा पाई बाय टू डालने पे सिक्स हो रहा है ना, तो अपन ये जो निर्दोष लोग हैं ना इनको लिमिट के बाहर निकालने की हैबिट रख सकते हैं, हम 1/6 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि अंत में आप पुट करोगे तो भी ये 6 ही आएगा। अरे भाई जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना तब आप पुट करोगे तब भी m का वैल्यू 6 आएगा क्योंकि ये तो अंडर रूट प्लस अंडर रूट ही रहने वाला है ना। तो ये अच्छा और बचा कौन अभी, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस टू, ठीक है तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दे रहा हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू वन बाय सिक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू।
इसको फैक्टराइज करेंगे अपन, है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस टू। इसको फैक्टराइज करना चाहते हो क्या? कर सकते हो वैसे, इतना अच्छे से फैक्टराइज होगा क्या? हो सकता है वैसे, साइन एक्स माइनस टू सोचते हैं तो यार प्लस टू प्लस थ्री माइनस वन, नहीं 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 माइनस टू माइनस हो गया ना, माइनस वन माइनस टू साइन एक्स माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय वन माइनस, नीचे वाली चीज को क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके हाँ जी, इसको अगर अपन काट देंगे, इसको अगर आप काट दोगे तो क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा ना, गलत चीज काट दी, वन साइन एक्स माइनस वन और वन माइनस साइन एक्स काटोगे तो माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, कोई फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू। तो ये चीज बची आपके पास, न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस टू, डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन एक्स। मेरे ख्याल से जब काटापिटी हो जाती है लिमिट में तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म चला जाता है। अब आप पाई बाय टू पुट कर दो, अब आप पाई बाय टू पुट करोगे ऊपर क्या आएगा, साइन पाई बाय टू मतलब वन वन माइनस टू अपॉन, यहाँ पे क्या कर करेंगे, वन प्लस वन, तो आपका आंसर आ जाएगा वन बाय सिक्स इंटू वन माइनस टू माइनस वन अपॉन टू, द आंसर विल बी माइनस वन बाय ट्वेल्व, आंसर आ जाएगा माइनस वन बाय ट्वेल्व। एक मिनट, अच्छा बाहर माइनस साइन था ना, ये मिस कर गया मैं, ये माइनस साइन भी आएगा इधर, तो माइनस वन बाय सिक्स इंटू सॉरी सॉरी ये माइनस ऐसा लगा दिया और यहाँ पे प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय ट्वेल्व। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नया करा क्या? नहीं, मैंने आज भी वही करा कि रैशनलाइज करा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का एक दो फॉर्मूला, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये दसवीं क्लास का बच्चा यूज करता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना, ये हम लोग दसवीं क्लास से सीख चुके हैं, तो दिस इज नथिंग न्यू। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस टू वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस ट्वेल्व अपॉन एक्स क्यूब प्लस एट। ठीक है, हाँ भाई, तो हाँ माइनस साइन भूल गया था, वो कर दिया आदित्य गर्जे, थोड़ा सा रुक जाया करो ना एकदम ही तुरंत बता देते कि सर पकड़ा गए, ऐसा नहीं होता है। चलो आदित्य गर्जे, मुझे बताओ कि ये कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो आपके सामने लिखा हुआ है अभी, विच इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज दिस? जरूर ये है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखो माइनस टू को रख दो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पता करना है तो माइनस टू यहाँ पे रख दो, माइनस टू यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, वन बाय जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी, नॉट नॉट डिफाइंड, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो थोड़ी ना है, तो इन्फिनिटी माइनस यहाँ पे भी रख दो माइनस टू को, कितना आ जाएगा माइनस एट, तो नीचे जीरो आ गया मतलब फिर भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे वो अपन देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो पहले आपको मैं काम की चीज बता देता हूँ, एक क्या है वो काम की चीज, ऑलवेज सी इफ एनी अलजेब्रिक identity is applicable. ठीक है, हाँ भाई गर्जे आप तो टाइप ही नहीं कर रहे, तो आपको ये देखना है कि algebraic identity अगर applicable है तो आप बताइए। देखिए algebraic identity यहां पे लग सकती है, a cube plus b cube, मैं वो लिख देता हूँ, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, दिस इज ए क्यू प्लस बी क्यू, भी आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली चलो अप्लाई करते हैं, तो क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस टू वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस ट्वेल्व अपॉन ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, कितना है वहां पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा ना, तो टू क्यूब है, ए स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर। ओके, नाउ व्हाट शैल वी डू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस टू, आप क्या करो एलसीएम एलसीएम खेल लो। क्या बात है आदित्य गर्जे, एक बार और लिख दो इन्फिनिटी, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ होगा। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप एलसीएम लोगे तो इधर तो सिर्फ 12 ही रहेगा, तो इधर सिर्फ 12 आएगा, ठीक है। अच्छा 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 8, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं माइनस 8, पक्का, चलिए। तो ये आ गया अपने पास, अभी फॉर्मेट आया अपने पास, अब इसका क्या करें अपन, अब आप क्या करो, ट्राई टू फैक्टराइज, ऊपर वाली चीज को फैक्टराइज कर दो, तो ऊपर वाली चीज को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे अपन, आपको सम चाहिए माइनस टू, तो फोर इंटू टू माइनस फोर एक्स, फोर टू है ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू, चेक कर लो, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है, ये कट गया ये कट गया, जैसी काटा पीटी मचती मतलब चोर मारे जा चुके, और एक बार चोर अगर मर गया तो उसके बाद इंडिटर्मिनेंट फॉर्म भी मर जाता है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो चुका है, तो ऊपर क्या बचेगा एक्स माइनस फोर, नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, समझ में आया क्या। अब माइनस टू रख के देखो, यहाँ पे हर जगह दुनिया में जहां जहां एक्स है माइनस टू रख के देखो, वहां पे ऊपर कितना आ जाएगा माइनस टू माइनस फोर, नीचे कितना आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर मतलब फोर माइनस माइनस टू मतलब फोर प्लस फोर, तो माइनस सिक्स अपॉन फोर थ्री जैट ट्वेल्व, दैट इज माइनस हाफ, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस हाफ, लिखो। ठीक है, हाँ भाई, जब तक मैं अगला सवाल लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ फोर एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू, ओके सानिका बताइए मुझे ये कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, विच इंडिटर्मिनेंट फॉर्म इज दिस, मैं 10 सेकंड रुकूंगा, बताइए मुझे, जिसका नाम लिया बस वही टाइप करना, कोई और टाइप ना करे, इस चीज को आप प्लीज फॉलो करें। क्या रहा फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में, मैं बार बार एक ही एक टिप लिखता हूँ ये सोच के कि आपको कभी तो समझ में आएगा। अंडर रूट देखते ही क्या करें, रैशनलाइज, रैशनलाइज करते ही आपका आंसर आ जाता है, सच में ये है इन्फिनिटी, देखा ना इन्फिनिटी यहाँ रख दो, तो फोर इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का अंडर रूट इन्फिनिटी माइनस, यहाँ पे आप करोगे अगर, तो देखिए क्या है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ये क्या है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ऊपर वाली डिग्री ज्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा,
तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना। तो ये टिप मैंने आपको बता दिया रैशनलाइज करने के, चाहे तो आप इसको बॉक्स में डालो। सॉल्यूशन तो हम लोग कर ही चुके हैं, क्या करें फिर बताइए, रैशनलाइज कर देते ना। रैशनलाइज करना आपको आता है क्या? पक्का आता है, क्या बात कर रहे हो, कर दोगे रैशनलाइज? करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ समथिंग माइनस अंडर रूट ऑफ समथिंग। तो अंडर रूट ऑफ मसाला वन माइनस अंडर रूट ऑफ मसाला टू, ये लिखा हुआ है अपना क्वेश्चन। तो आपको अगर रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ मसाला वन प्लस अंडर रूट ऑफ मसाला टू अपॉन अंडर रूट ऑफ मसाला वन प्लस अंडर रूट ऑफ मसाला टू, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे किसी से सवाल पूछा था अभी, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, तो अगला सवाल भी आपसे ही होगा है ना, जो भी होगा, जब तक आप जवाब नहीं दे देते देयर इज नो एस्केप। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ एम वन प्लस अंडर रूट ऑफ एम टू, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा चलिए देखते हैं। तो मसाला वन क्या था, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस मसाला टू कितना था, फोर एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू, फोर एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू, और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का सम। ठीक है, क्या करूं मैं बताइए आप, व्हाट शुड आई डू? लेक्चर बफर कर रहा है क्या, जैसे कि गर्जे कह रहे हैं? आई थिंक इट्स नॉट बफरिंग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अच्छा 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 क्या करना चाहिए बताइए। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, एम वन माइनस एम टू ना, तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा ना, माई मिस्टेक, वही मैं सोचू कि क्या है, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, मतलब रूट तो हट गया ना। हाँ तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम एलसीएम लेना, तो ऊपर आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस टू माइनस फोर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, और यहाँ पे जो चीज आ रही है ना वो क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ समथिंग प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग, वो अपन देखेंगे थोड़ी देर से, लिख देता हूँ मैं ना आपकी तसल्ली के लिए लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ फोर एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। तो फोर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ जाएगा, फोर एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब नाइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टू एक्स नीचे आ जाएगा अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 4x क्यूब अपॉन x प्लस टू, ठीक है। क्या किया जाए बताइए। अच्छा ये माइनस फोर एक्स क्यूब लिखना मैं भूल गया था, तो ये माइनस फोर एक्स, अरे बहुत अच्छी बात, तो कट गया, अगर ये कट गया तो ऊपर क्या बचा, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स,
और नीचे क्या रहेगा, अंडर अपॉन एक्स प्लस टू, अंडर रूट ऑफ समथिंग प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग। क्या करें अब इसमें बताइए, लॉ ऑफ लव लगा दूं मैं। लॉ ऑफ लव क्या कहता है कि डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्यों भाई एकदम से लॉ ऑफ लव कैसे आ गया मेरे दिमाग में? क्योंकि यहाँ पे दिया है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी दिया है एक पॉलिनोमियल, तो दोनों क्या है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे लिख लो चाहे तो, सेंस क्या है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। ओके लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हाईएस्ट पावर ऊपर कितना है हाईएस्ट पावर टू, और नीचे कितना हाईएस्ट पावर, मन की आंखों से देखोगे ना, मन की आंखों से देखो ये कितना है डिग्री, वन डिग्री है, और ये वाले ब्रैकेट के अंदर से डिग्री कितना आएगा वो भी वन आएगा, क्योंकि मन की आंखों से देखना है आपको, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आएगा ना, बाकी छोटे टर्म्स तो मैं इग्नोर करता हूँ बचपन से, मैंने आपको कल बहुत सिखाया, अगर आपको फड़फड़ाहट होती है तो भी आप इग्नोर करो और क्या। 4x स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे x क्यूब है, नीचे कितना है x है, तो मन के आगे देखो कितना हो गया x स्क्वायर। ये हो अच्छा, आपको अभी कर्सर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये x है और ये x क्यूब है, तो कितना हो गया टोटल x स्क्वायर हो गया, फिर x स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया x हो गया, तो ये भी x, ये भी x, कितना हो गया 2x, और 2x into x plus 2 कितना होगा x square, मेरे को बस डिग्री पता करना था, नीचे भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, नीचे भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, ऊपर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो या तो आप डायरेक्टली दोनों का कोफिशिएंट देख लो जो कि आप देख नहीं पाओगे, डिवाइड कर लो या तो है ना हाईएस्ट पावर x जो कि है x square, तो हाईएस्ट पावर x square से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 minus 2 upon x plus x square से डिवाइड करेंगे ना अगर, तो देखिए x स्क्वायर से नीचे डिवाइड करोगे आप, तो नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करने से बेहतर है ऐसा लिखो, x से डिवाइड करो और x से एक x इसको दे दो, तो 1 अपॉन 2 प्लस x, 1 प्लस 2 अपॉन x, और एक x यहाँ पहुँचा दो इधर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर जब x जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, और यहाँ पे भी अंडर रूट के अंदर जब x जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस टू है ना स्क्वायर बन जाएगा। ये समझ में आया मैंने किया क्या है, पूरे डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करा है, सॉरी x स्क्वायर से डिवाइड करा है, और उसका भी x स्क्वायर मैंने क्या करा है एक x इस पे रख दिया एक इस पे रख दिया, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए, तो 1 प्लस 2 बाय x इंटू अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 प्लस 1 बाय x प्लस अंडर रूट ऑफ 4x क्यूब, ये कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से 4x क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है हाँ भाई, अच्छा एक बात बताइए मुझे गौरांग, इस बात का जवाब देना आप मुझे, x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर, अगर ये क्वेश्चन दे दूं मैं आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी तो इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए मुझे, क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल तो कैसे देखते हैं अपन, लॉ ऑफ लव से, लॉ ऑफ लव में आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, उसका कोफिशिएंट क्या है, और नीचे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, दोनों का रेशियो, वो आपका आंसर होना चाहिए है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 4 अपॉन 1 मतलब 4, मैं ही बता देता हूँ ठीक है। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसमें अपन खुद से अलग से लॉ ऑफ लव लगाएंगे, जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे ये वाला इन्फिनिटी आप जब पुट करोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो अपन फिर से लॉ ऑफ लव लगाएंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी
रुक दें यहाँ पे, ये चीज़ कितना हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बचेगा आपके पास 9/1 × √4। यहाँ से देखिएगा 1 × √4, √4 प्लस ये लॉ ऑफ लव से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी अभी मैंने आपको सिखाया, तो 4 का रूट आएगा ना, रूट में है सब कुछ, तो नीचे का लिखा है 2 + 2 = 4, तो 9/4 विल बी योर आंसर। ठीक है, एकदम ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि बर्बाद हो गए सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इतना अपन ने इससे थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चन अपन ने कल देखे थे, लेकिन वो क्या रहा है कि नीचे इस ब्रैकेट के अंदर अपने आप में एक क्यूबिक अपॉन क्यूबिक है, तो सेम डिग्री है, तो कोफिशियंट बाय कोफिशियंट कर दो। ऊपर वाले का हाईएस्ट कोफिशियंट 4, नीचे वाले का हाईएस्ट कोफिशियंट 1, तो 4/1 आ जाएगा इस वाले पर्टिकुलर, इस वाले चीज का आंसर है ना, 4/1। ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपके पास ये वाला जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। कशिश मुझे ये बताइए आप कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, है ना, टाइप करके बताइए मुझे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपके पास तो फ्रीडम भी, अपने 2-3 दिन पहले क्लास में लिखा था, कोई नहीं देखेगा, लेकिन याद होना चाहिए इस स्टेज पर, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, 1² + 2² + 3² टिल एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आपका आंसर आने वाला हो, चलिए इसको सॉल्व करें, अगर आप आंसर बी बता सकते हो तो सो फार सो गुड। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n × (n+1) × (2n+1)/6। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो अपन क्या लिखते हैं, क्यूब में आंसर ये होता है n × (n+1)/2, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर। ओके गुड, कशिश ने भी सेम आंसर टाइप किया है, गुड। ओके चलिए, तो देखिए अपन इसको लिखते हैं, ऊपर क्या लिखा है 1² + 2² से n², तो मतलब पहले n स्क्वायर का सम वो कितना होता है n × (n+1) × (2n+1)/6, और इस पे अपन ने नीचे n क्यूब और लिख रखा है। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, लिमिट इंफिनिटी है सॉरी, तो भाई क्या चल रहा है, ऊपर क्यूबिक नीचे क्यूबिक, आंसर क्या आएगा, कोफिशियंट अपॉन कोफिशियंट, तो ऊपर n क्यूब का कोफिशियंट क्या आएगा, एन क्यूब का कोफिशियंट तो आपकी घर की काम वाली भाई भी बता देगी, देखो n × n × 2n, ये तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे तब जाके आपको एन क्यूब मिलेगा, समझ में आया क्या, तो कितना आ जाएगा 2n³ ऊपर आ जाएगा हाईएस्ट कोफिशियंट, और नीचे एन क्यूब का हाईएस्ट कोफिशियंट है 6n³। ठीक है, प्लस बहुत कुछ आएगा उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट का रेशियो 2/6, 1/3। ठीक है, आप लोगों ने क्विज दिया क्या आज, क्या आप लोग क्विज के लिए अपीयर हुए थे, टाइप करो कोई एक बंदा, कोई भी,
छोटा सा तोहफा आप लोगों के लिए। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इंटू ब्रैकेट ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स दिया है, ये जी ऑफ एक्स दिया है। आपसे पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड। चार ऑप्शन में दे देता हूं, फिर आप लोग इसको घर पे सॉल्व करना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। B है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 जी एक्स, ये 1/7 आएगा। C ऑप्शन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस जी ऑफ एक्स, ये आएगा -1/2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, कर पाओगे आप लोग? इजी क्वेश्चन है पक्का, आगे बढ़े। क्या बात कर रहे हो, सही में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना। लिखिए एल हॉस्पिटल रूम, एल हॉस्पिटल या एल ओपिटल भी बोलते हैं ना इसको, लॉपिटल। एल हॉस्पिटल रूम देखिए भाई, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं कहीं पर, किसी पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अगर आपका इंडिटर्मिनेंट फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का है या 0/0 का है तभी आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? इंडिटर्मिनेंट फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का होना चाहिए या तो फिर 0/0 का होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। ठीक है क्या? अच्छा, और एल हॉस्पिटल रूल लगाते कैसे अपन? लगाना काफी आसान है। आपके पास अगर ये क्वेश्चन है और अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 है तो आप लोग क्या करो, ऊपर वाले फंक्शन को एक बार अलग से डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले फंक्शन को एक बार अलग से डिफरेंशिएट करो और फिर से आप लिमिट पुट करके देखो एक्सटेंडिंग टू ए। इफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और 0/0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, indeterminate form still persist, persist मतलब अभी भी है, then apply L'Hopital again। L Hospital को अपन short में L'Hopital बोलते। तो step number 1 ये है, step number 2 है, मैं पूरा लिख देता हूँ step 1। अगर नहीं तो आया अपना यही answer हो जाएगा ना, otherwise apply again until the indeterminate form vanishes। indeterminate form
वैनिशेस। ठीक है, अदरवाइज यू हैव ऑलरेडी गॉट इन योर आंसर। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर मैंने आपको कोई सवाल दिया ठीक है, सवाल देखिए क्या है, सवाल है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग वन, एक्स की पावर एन ऊपर है और एक्स की पावर एम नीचे है और मसाला और नलायक दोनों की दोनों नेचुरल नंबर है, बोथ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस लिमिट। सबसे पहला सवाल आप लोगों से मैं ये पूछूंगा कि ये कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। वन डालो, ऊपर डालो वन, वन की पावर एन कितना होता है वन, नीचे वन की पावर एन वो भी वन, तो वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन कितना आ जाएगा जीरो अपॉन जीरो। जीरो अपॉन जीरो है तो आपका मन करेगा कि मैं लॉपिटल लगा दूं। ठीक है, तो इसका मेथड वन क्या रहेगा कि अप्लाइंग लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स इंटू एन की पावर एन माइनस वन आएगा, सॉरी एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये वन का डेरिवेटिव कितना हो जाता है जीरो अपॉन, नीचे आ जाएगा m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन और वन का डेरिवेटिव फिर से जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से डालो वन, फिर से वन डालो x की जगह, यहाँ पे वन डाला आपने तो वन की पावर में कुछ भी आया क्या आएगा वन, और वन की पावर में कुछ भी आया फिर भी क्या आएगा वन, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका नलायक अपॉन मंकी। आया क्या समझ में पक्का? अच्छा, ये जो होता है ना इसको अपन स्टैंडर्ड लिमिट कहते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है बच्चों, कोई सुन नहीं रहा ध्यान से सुनो। स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब क्या होता है, ऐसी लिमिट जो आपको याद होनी चाहिए, है ना, कुछ ऐसी लिमिट्स होती है जो आपको याद होनी चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है। मैं आपके सामने जो लिखने जा रहा हूं अभी, अच्छा मेथड टू इसका मैंने बताया नहीं, मेथड टू अपन बाद में देखेंगे क्योंकि वो है बाइनोमियल, अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड लिमिट मतलब क्या होता है कि यू शुड रिमेंबर इट, तो ये वाले जो लिमिट है ना आपको याद होनी चाहिए, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए वन, है ना, और आपके सामने लिखा है एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एम माइनस वन, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा एन अपॉन एम। सेकेंड चीज है लिख नहीं पाए क्या, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन, ध्यान से देखिएगा स्टैंडर्ड लिमिट है ना, यहां पे क्या लिखा है वेरिएबल की पावर में एन और यहां पे कोई कांस्टेंट की पावर में एन लिखा हुआ है, फर्क समझ में आ रहा है सबको, वेरिएबल की पावर में एन और कांस्टेंट की पावर में एन और नीचे क्या है एक्स माइनस ए, तो इसका आंसर क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर में सॉरी यहां पे एक्सटेंडिंग टू वन लिख दिया मैंने गलती से, यहां पे ए आएगा तो एन इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन, ए की पावर में एन माइनस वन। ठीक है, यहां लिखो इसी वाले पार्ट में, अगर गलती से मंकी का वैल्यू वन के बराबर में हो जाए तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, देखो ना यहाँ पे मंकी की जगह मैं वन डाल देता हूँ, वन डालोगे तो नीचे कितना आ जाएगा एक्स की पावर वन माइनस वन और ऊपर एक्स की पावर एन माइनस वन सेम रहेगा, नीचे आ जाएगा एक्स की पावर वन माइनस वन। तो देखिए ऐसा फॉर्मेट आपको जिंदगी में कभी भी दिखाई दे तो इसका आंसर क्या होता है एन होता है, इसका आंसर क्या होता है एन होता है। ठीक है, पक्का क्वेश्चन कर सकते हैं अपन।
ऐसे चेक कर रहा हूँ ना। गुड, चलिए तो देखते हैं अपन है ना क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर वन, विच सेज एक्स की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, एक्स की पावर 66 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, एक्स की पावर में 66 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर में 33 माइनस वन, इसका आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, जल्दी से सॉल्व करके बताएं मुझे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री, एक्स की पावर में 66 माइनस थ्री की पावर में 66 अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसका आंसर क्या आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, एक्स की पावर में टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये तो बहुत आसान। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है धोखे से बड़ा आसान लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं उसको मिटाते नहीं है। वीडियो स्टॉप हुआ है आज, नॉट विजिबल। ओके, अभी आपको विजिबल है वीडियो, दिखाई दे रहा है? प्लीज कोई एक बच्चा मुझे कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो इज विजिबल नाउ। ठीक है, पिछला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना प्रांजलि, देखो देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला आपको कि 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आप क्यों ना यहाँ पे डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा दो, है ना। तो आप जैसे लॉपिटल रूल लगाओगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का डेरिवेटिव किया मैंने, फिर दोबारा आपने लिमिट डाल दी एक्सटेंडिंग टू वन, यहाँ डाल दो तो एक्स दुनिया में जहाँ जाए एक्स से वहाँ पर क्या डाल दिया, वन वन एन अपॉन एम, है ना। वन के पावर में कुछ भी डालोगे वन ही आएगा आंसर। और बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो अपन कर सकते हैं अप्लाई, अगर आपको आता है अच्छे से याद है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा ही बाइनोमियल एक्सपेंशन लिमिट के अंदर। फिर स्टैंडर्ड लिमिट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स की पावर में एन अपॉन एक्स की पावर में एम माइनस वन, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप एक्स की जगह वन रख दो तो वन की पावर एन माइनस वन, मतलब 0/0 है, इसका मतलब अपन क्या करेंगे लॉपिटल लगाएंगे। तो मैंने बोला कि आपको, सुनो मेरी बात, कि कुछ लिमिट जो होती है वो स्टैंडर्ड लिमिट होती है। स्टैंडर्ड लिमिट मतलब आपको वो लिमिट याद रखना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते उससे, डायरेक्ट क्वेश्चन, बार बार आप एल हॉस्पिटल नहीं लगाओगे, आपको ये याद रह जाएगा कि एक्स की पावर एन लिखा है और एक्स की पावर एम लिखा है, दोनों में माइनस वन है, तो आंसर क्या आता है, एन अपॉन एम आता है। उसका अपन ने डायरेक्टली प्रूफ देख चुके ऊपर, ये प्रूफ अपन देख चुके ऊपर, तो उसको अपन याद रख लेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर वन दिया, यहाँ पे एक्स की पावर 66 माइनस वन,
अपॉन एक्स की पावर वन, यहाँ पे वन के आंकड़े देखो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली पावर अपॉन नीचे वाली पावर 66 अपॉन 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इधर देखेंगे अगर ऊपर पावर क्या है 66, नीचे पावर क्या है 33, तो आंसर आ जाएगा आपका ऊपर वाली पावर अपॉन नीचे वाली पावर दैट इज 2, है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो ये सेकंड वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों आंसर मैंने बताया। फिर आपको एक और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख के बताया है कि सॉरी, सेकंड वाला स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो अपन अगर सुनो, आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझो अच्छे से ना, समझ में नहीं आया अभी अपने को, फिर से समझना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स की पावर में कुछ नंबर है माइनस वन, फिर नीचे भी एक्स की पावर में कुछ और नंबर है माइनस वन, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका आंसर क्या होता है, ऊपर वाली पावर जो है अपॉन नीचे वाली पावर, खत्म। कैसे, वो अपन ने डायरेक्ट देखा है एल हॉस्पिटल से, है ना, उसका प्रूफ तो अपन ने ऊपर ही देख लिया था, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, लास्ट में लिमिट पुट कर दो वन। दूसरा, अगर यहाँ पे एम की जगह वन आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नहीं 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 सॉरी, ये वो वाला है ना, एम की जगह अगर वन आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा एन अपॉन एम, मतलब फिर से वही आंसर आएगा आपका, है ना। अच्छा, तीसरा होता है कि यहाँ पे अगर वन की जगह अगर ए की पावर एन आ जाता है और नीचे वाले वन की जगह पर भी ए आ जाता है तो क्या करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप बार बार एल हॉस्पिटल लगाओ, है ना, जैसे कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए 66 इंटू ए की पावर, ए क्या है यहाँ पे, ये वाला नंबर, ए की पावर n माइनस वन, 66 माइनस वन, तो आंसर हो जाएगा 66 इंटू 3 की पावर 65। मान लो मेरे को ये याद नहीं है ना, आज से कुछ महीनों बाद अगर अपन जेई का एग्जाम देते भूल गए तो क्या करेंगे, तो आप इसमें वापस से लॉपिटल लगा दो, है ना, फिर से, क्योंकि 0/0 का, 0/0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, अरे 3 डालो ना यहाँ पे, 3 की पावर 66 माइनस 3 की पावर 66, ऊपर भी 0 और यहाँ पे 3 माइनस 3 0, तो 0/0 तो लॉपिटल लगा दो, लॉपिटल कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x की पावर 66 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 66 इंटू एक्स की पावर 65 माइनस, ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अपॉन नीचे x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे दोबारा आप लिमिट रख दो, लिमिट x टेंडिंग टू 3, तो जैसे ही आप 3 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66 इंटू 3 की पावर 65, सेम आंसर। तो या तो आप इसको याद रख लो या तो बार बार एल हॉस्पिटल लगाओ, तो दोनों तरीके हो याद होने चाहिए अपने को, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अपन ने बहुत करने हैं अभी, ठीक है। तो आपका वीडियो जो बंद हुआ था वो मैंने समझा दिया आपको, होपफुली आपको वो समझ में आ गया होगा। लिख लिया आप लोगों ने, अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस 2 की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ये 80 दे रखा है आपको, है ये 80 दे रखा है, और ये भी बोल रखा है कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो आपको बोल रहा है फाइंड n। देखिए हाँ भाई, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या है, बहुत इजी, ऊपर x माइनस है नीचे x माइनस है, बाकी ऊपर में क्या है, दोनों में n n का पावर है। आगे देखिए प्लीज, समझो इस चीज को, क्या लिखा है, ऊपर x माइनस a और नीचे भी x माइनस है, ऊपर में n n का पावर लगा हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है n इंटू ए की पावर n माइनस वन,
अच्छा इधर देखिए, ऊपर x माइनस टू, नीचे भी x माइनस टू, ऊपर एन एन का पावर लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर इंटू ए की पावर एन, एन यहाँ पे एन प्लस वन है ना, पावर में एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अरे ए की पावर में क्या आता था, देखो ना जो इधर पावर है उतना माइनस वन, तो यहाँ पे क्या है पावर, यहाँ पे एन प्लस वन तो उतना माइनस वन, ये स्टैंडर्ड अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, एन प्लस वन इंटू टू की पावर में कितना आ जाएगा एन, दिस इज गिवन एस 80, ये आपको 80 दे रखा है। तो यहाँ से आपको n पूछा है कितना आएगा, तो पहला तरीका तो है कि तुक्का मार दो भाई, है ना, n की जगह 1 डालो, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 की पावर 1 कितना आ रहा, 4, 4 और 80 बराबर नहीं है, तो n की जगह 2 डाल के देखो, 2 प्लस 1 3, 3 तो आएगा नहीं ना, क्योंकि 3 इंटू एनीथिंग, 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 80 तो हो ही नहीं सकता, तो 4 डाल के देखो, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 की पावर में 4, हाँ ये 80 आ जाएगा। टू की पावर फोर कितना 16, 16 फाइव जर 18, तो डायरेक्टली आ जाएगा आपका आंसर n इज इक्वल टू 18। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। एक हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। अच्छा इसमें लिमिट मैंने दिया नहीं, तो लिमिट है x टेंडिंग टू 1, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, कि स्टैंडर्ड लिमिट हम लोगों ने जो पढ़ी थी उसमें एक फॉर्मेट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये वाला फॉर्मेट पढ़ा था हम लोगों ने, कि x की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन x माइनस वन, ठीक है, x की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन x माइनस वन, ये किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी समथिंग वैसे ही लिखा हुआ है, कुछ कुछ वैसा ही लिखा हुआ है, x की पावर में क्या लिखा हुआ है, 1/13, 13th रूट, मतलब 13th रूट मतलब क्या होता है 1/13, माइनस 7th रूट मतलब क्या होता है पावर में 1/7, 5th रूट मतलब क्या होता है पावर में 1/5, 3rd रूट मतलब पावर में 1/3, ये लिखा हुआ है, और लिमिट आपको दिया हुआ है एक्सटेंडिंग टू 1, ओके अच्छा। और मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताया था ना वो लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से लिख देते हैं ताकि अपने को स्क्रॉल ना करना पड़े, एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन x माइनस वन, यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 1 हो रहा है, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आ जाता है सिंपली n, ठीक है, इसका आंसर आ जाता है n। मैंने क्या करा इधर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना, बहुत ध्यान से देखना, मैंने इसमें माइनस वन किया जबरदस्ती, ऊपर एक माइनस वन किया और एक प्लस वन किया, माइनस वन और एक प्लस वन, और नीचे भी एक माइनस वन और एक प्लस वन, तो उससे क्या उखाड़ लिया भाई अपन ने, दिस माइनस दिस ऐसा लिख देंगे, x की पावर 1/13 माइनस 1 प्लस 1 माइनस मसाला, 1 माइनस मसाला को मैं माइनस ऑफ मसाला माइनस 1 लिख देता हूं,
ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया, अपॉर्चुनिटी नंबर टू आपके लिए, देखिए दिस माइनस वन एक्स की पावर 1/5 माइनस वन, कोई गलत नहीं आ सकता, तो फिर वन माइनस एक्स की पावर 1/3, वन माइनस एक्स की पावर 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ एक्स की पावर 1/3 माइनस वन, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। Now what should I do? स्टैंडर्ड फॉर्म को इधर ही रहने दो। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय x माइनस वन। क्यों क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि x माइनस वन यहाँ पे नीचे x की पावर n माइनस x की पावर n x की पावर सॉरी x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन है ना। तो भाई अपन ने क्या करा, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया x माइनस वन से, तो x की पावर 1/13 माइनस वन माइनस x की पावर 1/7 माइनस वन अपॉन x माइनस वन फॉर्म x माइनस वन अपॉन x की पावर 1/5 माइनस वन अपॉन x माइनस वन माइनस x की पावर 1/3 माइनस वन अपॉन x माइनस वन। Divide numerator and denominator by x minus 1 to create the standard form. ये वाला जिसको PDF चाहिए आज का, यहाँ पे लिख दिया कि सर आज का PDF भेज दीजिए। हाँ भाई देखो, ये इतना सा जो गोला मारा मैंने, इसका आंसर आएगा 1/13। क्यों? क्योंकि x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन n के बराबर होता है। जो पावर होती है वही आंसर हो जाता है, जो पावर होती है वही आपका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/13 माइनस 1/7, इसका आंसर आ जाएगा, जो पावर है वही आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा 1/5 और इसका आंसर है 1/3। ठीक है, तो 1/13 माइनस 1/7 ये कितना आ जाएगा, 7 माइनस 7 माइनस 13 अपॉन 13 इंटू 7 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 5। सेवन माइनस 13 कितना होता है, माइनस 6 अपॉन 13 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन माइनस 2 निष्क्रम निष्क्रम 2 इंटू 3। ठीक है, 3 3 9 9 5 45 अपॉन 13 इंटू 7 कितना होता है, 91। 45 में 91 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल अपन चालू करेंगे लिमिट बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो आपका होमवर्क जो रहेगा ना, वो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि आपको बाइनोमियल थ्योरम पूरा चैप्टर पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम सबको आना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल एक्सपेंशन आना चाहिए, सेकंड ऑफ ऑल आपको लर्न और रिमेंबर the expansion of sin x cos x e power x ln of 1 plus x
इस पर्टिकुलर केस में ऐसा होता है तो मॉड एक्स लेस देन 1 होता था, टेन एक्स, ठीक है। ये सारे एक्सपेंशन आपको याद हो जाने चाहिए अगले एक दो दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है, होमवर्क जिन्होंने भेजा है आज उनका नाम मैं लिख चुका हूँ, है ना, मतलब सर ही लिख चुके हैं उनका नाम, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका कल का होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी ITF लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 से आप करेंगे काम पर, थर्टीन तक, ठीक है। कितने बच्चों ने ITF जो है मैंने आपको समझाया था ना क्लास में, ITF पूरा डिस्कस हुआ अपना, 100% अपन ने मॉड्यूल डिस्कस करा है। कुछ एक दो क्वेश्चन 60s के ऑनवर्ड्स छूटे हैं, 61 से लेकर समथिंग, हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन है, बट वो भी आपसे सब हो जाएंगे। तो कितने बच्चों ने इसको अच्छे से रिवाइज करा है मॉड्यूल को, नहीं किया है तो कीप रिवाइजिंग मॉड्यूल, मॉड्यूल को आप एक बार अच्छे से पूरा देख ले आगे से लेके पीछे तक, और ये लेवल 2 पूरा आपको 13 तक सॉल्व करना है। कल न्यूमेरिकल अपन कल ही सॉल्व कर चुके, डाउट्स में कल डिस्कस करूंगा इसके, ठीक है। रुको जरा सबर करो, होमवर्क आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, होमवर्क तो बस शुरू हुआ है। तो आपको लिमिट्स में सॉल्व करना है, कहाँ जी एन बर्मन सॉल्व करना है, छोड़ दो अभी जी एन बर्मन के हिसाब से अपना अभी इतना हुआ नहीं है, तो विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। अगेन लास्ट चांस है आपके पास 311 तक कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो जी एन बर्मन आपको 245 से 311 तक कंप्लीट करनी है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं, बाय एवरीवन, टेक केयर।